हेलो बच्चों, तो ओके गाइस, हम आ गए हैं कालूसराय PW विद्यापीठ में। तो अब यहाँ पर हम पूछने वाले हैं काफ़ी बच्चों से कि क्या क्या फैसिलिटीज़ है इस सेंटर में और क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है इनका अभी तक। सो आपका नाम क्या है? मेरा नाम वंश गर्ग है। वंश गर्ग आपका नाम। तो आपका, आप 12th में हो या 11th में? मैं ड्रॉपर हूँ। यू आर ड्रॉपर, ओके। सो क्या 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 चल रहा है अभी? अभी तो यहाँ पे बढ़िया पढ़ाई चल रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा, मेरे दोस्तों ने ना बढ़िया बढ़िया फीस पे करी है। ओके, वो मैंने उनसे हाफ फीस पे करी है। मुझे फैसिलिटी जो मुझे मिल रही है ना, उनसे डबल मिल रही है। टीचर्स मेरे पे ज़्यादा डबल ध्यान दे रहे हैं। मैं कोचिंग में किस टाइम आ रहा हूँ, किस टाइम जा रहा हूँ, सब पेरेंट्स में इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। जो उन्हें पढ़ाया जा रहा है कंटेंट, उसमें भी हमारा लेवल अभी है दो, ठीक है। और हमारे टीचर भी बढ़िया हैं, डाउट फैकल्टी अच्छे हैं, सब चीज़, कोई दिक्कत आएंगी? कोई भी ऐसी चीज़ जो कोई दिक्कत आ रही हो आपको? नहीं, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ बताना चाहोगे आप? नहीं, बाकी सब तो ठीक है। जितना PW दे रहे हैं अलग सर, बाकी में बहुत कुछ दे रहे हैं, इतने कम फीस में कोई दे नहीं सकता। टाइमिंग्स क्या रहती है आपकी क्लासेस? मेरी टाइमिंग्स रहती है 8:45 से 1:45। ओके, तो एक बैच में कितने बच्चे रहते हैं? अप्रोक्स 50-55। अच्छा, तो अटेंशन चली जाती है? हाँ, मेरे पे तो चली जाती है, बाकी जिसको नहीं जाती उसका पता है। ओके, सो नाइस टू मीट यू। देखते हैं लाइब्रेरी में क्या है, क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे पढ़ रहे हैं। सो आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ निशु कुमार। निशु कुमार नाम है। ओके, तो अभी आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हो जी, है ना? तो आपकी टाइमिंग्स क्या रहती है? मैं तो मॉर्निंग शिफ्ट का हूँ, लेकिन आज मेरा हॉलीडे था तो लाइब्रेरी में बैठ के अपना पढ़ रहा था, रिवाइज कर रहा था। कौन सब्जेक्ट पढ़ रहे हो अभी? जूलॉजी। तो आप मेडिकल के स्टूडेंट हो जी। ओके, सो आपकी क्लासेस की टाइमिंग क्या बताइए आपने? मेरी 8:45 से 1:45 तक। ओके, ब्रेक कितने बजे होता है? ब्रेक होता है, दो ब्रेक होता है इवेंचुअली, मतलब एक 10:15 टू 10:30 होता है और एक होता है 12:00 से 12:15। फैकल्टीज़ कैसी हैं आपकी? फैकल्टीज़ बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, करिकुलर के साथ साथ इमोशनली, मेंटली और जो भी है हमें सपोर्ट करते हैं। इवन हमें मेंटोरशिप भी बहुत अच्छा करते हैं, पर्सनलाइज्ड भी हैं। और मतलब एक तो मैंने सुना कि लाइब्रेरी अच्छी है यहाँ पर, तो सारी बुक्स अवेलेबल होंगी, है ना, JEE से रिलेटेड और मेडिकल से रिलेटेड। और डाउट सेशंस आपको अलग टीचर से मिलते होंगे, जब तक डाउट्स क्लियर नहीं होते आपको छोड़ते नहीं होंगे ना? तो और इसके अलावा कुछ बोलना चाहोगे आप? डाउट फैकल्टी भी बहुत अच्छी है यहाँ पे, अगर आप डाउट पूछने आते हैं तो डाउट शेड्यूल भी लगा होता है, आप अपने टीचर से भी क्लास में पूछेंगे या फिर ब्रेक के टाइम भी पूछेंगे तो भी वो अवेलेबल रहते हैं। क्लास टीचर, मतलब क्लास जो सब्जेक्ट टीचर हैं, वो भी डाउट बहुत अच्छा क्लियर करते हैं। सो थैंक यू सो मच। गाइस, चलते हैं लाइब्रेरी में, देखते हैं कैसे है। So as you can just see, this is library of PW Vidyapeeth Kalusarai. तो ये है PW विद्यापीठ कालूसराय की क्लासेस। तो AC वैसी सब चल रहा है बढ़िया, और ये बेंचेस हैं, यहाँ पर बैठ के देखते हैं कैसे लगता है। तो जो मैं फील कर पा रहा हूँ, तो बेंचेस काफ़ी कंफर्टेबल हैं, जितनी देर तक की भी क्लासेस होती हैं आप आराम से बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। और ये है स्मार्ट बोर्ड, यहाँ पर स्क्रीन पे आपकी पढ़ाई होगी। और ज़्यादा बड़ी भी नहीं है क्लास, तो बैच स्ट्रेंथ तो मेरे को नॉर्मल लग रही है, तो सारे बच्चों पे अटेंशन जाएगी टीचर की और सब कुछ, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। तो अभी पढ़ रहे बच्चों से थोड़ा बहुत रिव्यू ले लेते हैं क्लासेस में क्या चलता है और कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा है PW विद्यापीठ में। सो व्हाट्स योर नेम? आयुषी चौधरी। ओके, सो आयुषी, आप कौन सी क्लास में हो अभी?
सर मैं ड्रॉपर बैच नीट ड्रॉपर। ओके आयुषी इज अ ड्रॉपर। सो अभी तक का आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है पीडब्ल्यू में? सर बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, सर स्टाफ बहुत अच्छा है, काफ़ी हाइजेनिक भी है और बिल्कुल वेल, मतलब टाइम पर सभी टीचर्स आ जाते हैं, टाइम पर ही मतलब हमारे DPPs वगैरह टाइम पर रिजल्ट अनाउंसमेंट जो है सब चीज़ टाइम पर होती है और लाइब्रेरी फैसिलिटी अगर हम पढ़ना चाहते हैं क्लासेस के बाद तो पढ़ सकते हैं। वाईफाई फैसिलिटीज़ भी है, अगर किसी बच्चे को ऑनलाइन कुछ अगर कहीं दिक्कत आ रही है अगर देखना पड़ जाए तो हाइब्रिड बैच है, क्लासेस डेली रिकॉर्ड होती हैं और हमारे ऐप पर अवेलेबल होती है, अगर किसी बच्चे को देखना हो तो देख सकते हैं। आसपास अगर मतलब अगर ब्रेक होता है तो ब्रेक के बाद अगर किसी को कुछ खाने जाना है तो आसपास कुछ है, आसपास कैंटीन वगैरह अगर जा सकते हैं, और अगर इमरजेंसी में तुम्हें किसी चीज़ की फोटोकॉपी वगैरह करानी है तो फोटोकॉपी शॉप भी अवेलेबल है। आई थिंक इट्स जस्ट प्रीटी नाइस। स्टाफ भी बहुत अच्छा है काफ़ी, मतलब रिसेप्शन पर अगर कुछ भी चीज़ अगर टाइम पर अगर हमें DPP वगैरह नहीं मिल पाई है तो हम कभी भी पूछ सकते हैं कि DPP नहीं मिले तो किसी भी टाइम पर जाओ तो अवेलेबल रहते हैं। सारे टीचर्स जो हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री सारे अच्छे हैं? सर सारे टीचर्स अच्छे हैं। तो अब हम ऊपर जा रहे हैं बिल्डिंग में और जैसा कि मुझे पता लगा है कि यहाँ पर 4 फ्लोर्स हैं और लिफ्ट भी है इधर, तो बच्चे ऊपर नीचे जा सकते हैं। तो यार बहुत सारे यहाँ पर काउंसलर्स भी हैं जो लाइफ से रिलेटेड और स्टडीज से रिलेटेड और ना एडमिशन कैसे होना है यहाँ पर, तो इस सब के डाउट्स आप पूछ सकते हो काउंसलर से। हमारे साथ है शिवानी मैम, तो जो अगर कोई बच्चा आपके पास आता है डाउट के लिए तो आप कौन कौन से डाउट्स हैं जो उनके सॉल्व करोगे? ठीक है, जो बच्चे अगर हमारे पास आते हैं, बच्चे को कोई भी क्वेरी है किसी भी तरह से रिलेटेड, कोई भी बच्चे को परेशानी है वो सीधा हमारे पास आते हैं, चाहे वो उनकी स्टडी के रिलेटेड हो, चाहे उनको कुछ भी कोई भी एनीथिंग अपनी पर्सनल प्रॉब्लम लेके भी आते हैं, या कोई भी अगर उनको PG में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, या जो बच्चे बाहर से आए हुए हैं वो PG में भी रहते हैं यहाँ पे आके, तो उनसे रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम होती है हम ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, कोई भी उनको आती है क्लास में कोई परेशानी आती है, कोई कुछ भी एनीथिंग, ठीक है, उनको फिजिक्स वाला में इंस्टीट्यूट में कोई भी परेशानी आती है तो हम बच्चों की पूरी तहे दिल से जो है उनकी क्वेरीज को सॉल्व करते हैं और अपना जो है बेस्ट उनको देते हैं। मैम जैसा कि आपने बोला कि PGs यहाँ पर अवेलेबल है ना, तो आसपास है ना बच्चों को ब्रेक में खाने पीने के लिए जाना होता होगा, तो उसके लोकेलिटी कैसी है तो आप उसके बारे में क्या बोलोगे? सर लोकेलिटी ये स्टूडेंट हब है, ठीक है, तो यहाँ पर लोकेलिटी थोड़ा सा ठीक है, इसको मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं ठीक है, तो अच्छा है, यहाँ पर खाने पीने का भी अच्छा मिल जाता है, तो हाइजीनिक है यहाँ पर हर एक चीज़, तो अच्छा बच्चे को सब कुछ मिल रहा है स्टडी वाइज, ठीक है, खाना और हर एक चीज़ जो है अच्छा अवेलेबल हो जाता है यहाँ पे। ओके मैम थैंक यू सो मच। सो अब हम फैकल्टीज का इंटरव्यू लेने वाले हैं RKB सर जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, सो लेट्स गो। सो ये RKB सर है, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं सर, और सर आप JEE से रिलेटेड बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहोगे? इतने सारे बच्चे हर साल 1,000,000 बच्चे ट्राई करते हैं लेकिन ना होता 1% लोगों का कही है ना, तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे ऐसे बच्चों को ताकि बच्चे आए और मोटिवेटेड हों? देखिए JEE के एग्ज़ाम जैसा था कोविड के पहले आज भी वैसा ही है, टफ हो इजी हो, हमें उस मुकाम पे पहुंचना है कि जहां पे JEE में पहुंच के स्ट्राइक रेट अच्छा हो जाए। इसके लिए मेहनत के साथ साथ पुराना जो JEE पेपर्स होता है उसके बारे में भी दे नीड टू प्रैक्टिस वेरी वेल। जब तक वो प्रैक्टिस उस लेवल का नहीं होता है ओनली पढ़ के कुछ अचीव नहीं होता है। अभी जैसे JEE का बात चल रहा है कि जनवरी का एंड पे हो सकता है, जो भी हमारे पास अभी टाइम बच गया है हर बच्चे को चैप्टर्स को कंसंट्रेट करके टीचर्स से बात करके जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है उस पर वर्कआउट करके, सब कुछ एक महीने में नहीं हो पाएगा बट शॉर्टलिस्ट करके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जो मैंने पहले कहा था JEE का पुराना पेपर्स रिसेंट जो हुआ है वो एक बहुत ही अच्छा गाइडलाइन देता है स्टूडेंट्स को करने के लिए। कोई भी स्टूडेंट को कोई टेंशन करने का बात नहीं है, कोई प्रेशर नहीं लेने का है, 1-1.5 महीने पढ़ाई करना है, टीचर के साथ कोऑर्डिनेशन रख के अच्छे अच्छे टेस्ट सीरीज एग्जाम्स देना है इंस्टीट्यूट्स का जिस इंस्टीट्यूट में वो पढ़ता है, ये तीनों चीज़ अगर सिंक्रोनाइजेशन में कोई बच्चा करेगा तो एग्जाम के दिन 70-75% ऑफ द क्वेश्चन हो जाएगा जो एक सक्सेसफुल JEE एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए सफिशियंट होता है।
तो सर है ना, जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ाते हो तो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, थियोरेटिकल बहुत ज़्यादा होता है, कॉन्सेप्ट इतने सारे होते हैं, बच्चे ना इतने सारे कॉन्सेप्ट एकदम से कर नहीं पाते ग्रैप। तो अब बायोलॉजी का जैसे जो बच्चा मेडिकल में है और जो बच्चा जेई का है, तो उन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है, कितना किसको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, और ना केमिस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली आप क्या एडवाइस देना चाहोगे, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? देखिए, दोनों एग्जाम का क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा अलग है, पढ़ना दोनों में ही पड़ता है, ऐसा नहीं कि कम ज़्यादा है। मेडिकल का क्वेश्चन में थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट ज्यादा होता है, आईआईटी में थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट ज्यादा होता है। तो जो टीचर या जो बच्चे दो साल एक पर्टिकुलर ट्रेन में पढ़ा है तो वो ऑलरेडी फेमिलियर होंगे। जो मेडिकल का बच्चे है उसको इंजीनियरिंग पेपर सॉल्व नहीं करना है, जो इंजीनियरिंग का है उसको मेडिकल पेपर नहीं करना है, जो जिसका सब्जेक्ट है। लेकिन मेरा कहना वही है, अभी जो टाइम बच गया है मेडिकल में, अभी तो थोड़ा टाइम है, सबसे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम आप देने के लिए जा रहे हो उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज उससे एक आइडिया मिल जाता है मॉडर्न ट्रेंड क्या जाता है। बिकॉज जो मेडिकल एग्जाम बोर्ड है या आईआईटी बोर्ड है, ये भी पेपर का ट्रेंड को बदलते रहते हैं। तो अगर हम 2002 का पेपर को करके सोचेंगे ये ट्रेंड है, वो गलत है, वो भी करो, बट रिसेंट जो 2018-19 का पेपर है इस ट्रेंड के साथ भी हमें थोड़ा ट्यून रखना है। तो इसलिए जैसा जो एग्जाम है मेडिकल का, मेडिकल है उसमें क्वेश्चन ज़्यादा होता है, टाइम कम होता है, बट वो थ्योरेटिकल होता है, जल्दी हो जाता है। आईआईटी में थोड़ा न्यूमेरिकल ज़्यादा होता है, तो जो बच्चा आईआईटी दे रहे हैं उनको थोड़ा न्यूमेरिकल स्किल के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस करना चाहिए रादर देन रटने वाला स्किल, ये डिफरेंस होता है। तो सर, जैसे आपने और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया होगा, आप इतने सालों से पढ़ा रहे हो, तो अभी सर पीडब्ल्यू में आपने ऐसा क्या एक्सपीरियंस करा जो बाकी इंस्टीट्यूट्स में नहीं है, और पीडब्ल्यू में ऐसी क्या खास बात है? ठीक है, पीडब्ल्यू में दो चीज़ है, जो अभी हमारा ये ऑफलाइन सेंटर है, इस पे ऑफलाइन में टीचिंग होता है जो बहुत ज़रूरी है आईआईटी या मेडिकल के लिए। साथ में हम क्लास पे क्या करते हैं, जो भी क्लास होते हैं उसका पूरा रिकॉर्डिंग बच्चे को भेज देते हैं, बट साथ में ये एडवाइस भी करते हैं कि रिकॉर्डिंग दोबारा सुनने के लिए मत सुनो, बिकॉज तुमने 6 घंटा क्लास पे डिवोट किया है। लेकिन अगर बच्चे को पहले क्या होता था, कोई डाउट होता था, वो टीचर के पीछे पीछे भागता था, कब टीचर फ्री होंगे, कब पूछेंगे, ये जो एक टाइम लॉस होता था, समझ में नहीं आया, 2 महीने बाद टीचर फ्री हुआ, ये नौबत ख़त्म हो चुका है। बिकॉज अब रात को उसको पूरा ऐप्स में उसी चैप्टर का वो पूरा रिकॉर्डिंग मिल जाता है, सो दैट कोई भी अगर उसको मन में डाउट है या क्लास में कोई नोट नहीं कर पाया, वो है नंबर वन। नंबर टू, पीडब्ल्यू में इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स है कि जब वो एग्ज़ाम देता है उसका जो इवेल्यूएशन होता है वो 50-60 स्टूडेंट के अंदर नहीं हो रहा है, वो 40,000 स्टूडेंट के अंदर हो रहा है। तो क्या होता है, जो रैंक उसको आता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आईआईटी में वही रैंक आता है, पर दोनों का रैंक में जो गैप होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, मतलब ज़्यादा एक्चुअल पिक्चर उसको मिल जाता है पीडब्ल्यू में। बिकॉज मॉड्यूल सब इंस्टीट्यूट देते हैं, बट हमारे पास वही रिकॉर्डिंग हम दे रहे हैं, क्लास पे दे रहे हैं, हमारा अलग से डाउट सेल है जहाँ पे टीचर थ्रू आउट सुबह 10 बजे से रात को 9 बजे तक बैठे होते हैं। तो क्लास का टीचर अगर फ्री नहीं भी है तो कोई भी बच्चा उनके पास जाके भी उस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक का डाउट क्लियर कर सकते हैं। अपना टीचर तो है ही है, पर कहीं पे हमारा बैकअप्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, लाइब्रेरी, मॉड्यूल, साथ में रिकॉर्डिंग, साथ में ऑफलाइन टीचिंग, साथ में डाउट फैकल्टी, इतना कुछ जब स्टूडेंट को मिल जाता है तो स्टूडेंट के अंदर जो डाउट्स होता है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। सो सर, थैंक यू सो मच, आपने बताया इतने अच्छे तरीके से हमारी ऑडियंस को, और सबसे बड़ी बात तो यही है कि अलग सर ने इतना अफोर्डेबल कर दिया है और एजुकेशन सिस्टम को। पहले बच्चे आईआईटी के लिए प्रिपेयर करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, फाइनेंशियल इतना अच्छा होता नहीं था उनका बैकग्राउंड, लेकिन फाइनेंस के साथ साथ फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया है। ऐसा नहीं कि बहुत सारी जगह पे होता है फाइनेंस कम कर दिया तो क्वालिटी ऑफ फैकल्टी में कंप्रोमाइज़ हो जाता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो इंस्टीट्यूट पे जो मिलता है उससे उल्टा ज़्यादा ही मिल रहा है, बट कॉस्ट अफोर्डेबल कर दिया। और क्लास पे देखेंगे, आज के जो क्लास पे स्ट्रेंथ हम पढ़ाते हैं, आईआईटी के अंदर भी इतना स्टूडेंट होता है, हम ऐसा नहीं कि 500-600 स्टूडेंट को एक बैच पे पढ़ाते हैं, तो उन्होंने सिस्टम को ही ऐसा बनाया कि अफोर्डेबल कर दिया। बट लोग को ये पहले लगता था कि अफोर्डेबल मतलब पैसा कम कर दिया तो क्वालिटी कंप्रोमाइज होगा, ऐसा एक भी नहीं हुआ है। इसलिए एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है, और मैं स्टूडेंट को एडवाइस करूंगा, अभी जो भी टाइम बच गया है, आईआईटी का फर्स्ट राउंड हो, सेकेंड राउंड हो, मेडिकल हो, जिस एग्जाम जो दे रहे हो, ये 2-3 महीने बाकी सब कुछ छोड़ के टीचर को फॉलो करके, क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करके, बिकॉज ये 2-3 महीने ऐसा टाइम है जो तुम्हारा फर्दर करियर को डिसाइड करेगा। अगर आज तुम 3 महीने ज़्यादा अच्छा एफर्ट लगाते हो तो हो सकता है ज़िंदगी भर तुम्हें पीछे घूम के देखने का ज़रूरत ना पड़े। इट साउंड्स ईजी बट इट्स अ गेम दैट वी हैव टू प्ले, और उस पर टीचर आपके साथ है जहाँ पे भी आप पढ़ते हो। आई थिंक अगर आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करोगे तो आई थिंक एवरीथिंग कैन बी अचीवेबल। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो हम जाने वाले हैं और फैकल्टीज से मिलने, देखते हैं वो क्या क्या कहते हैं। हेलो सर, आप क्या पढ़ाते हो? केमिस्ट्री। आप
केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो। ओके, सो आप ना इतने टाइम से पढ़ा रहे होगे PW में, तो आपने एक्सपीरियंस करा होगा इतने सारे बच्चों को देखा है, तो आप क्या बोलना चाहोगे PW में ऐसा क्या है जो बाकी इंस्टीट्यूट्स में नहीं है और बच्चों को यहाँ पर ही क्यों आना चाहिए? एक तो ये मतलब पॉकेट फ्रेंडली है और यहाँ पर सबसे बेस्ट टीचर हैं, ठीक है, और सारे टीचर बहुत एक्सपीरियंसड हैं, ठीक है, और यहाँ पे सबसे स्पेशल चीज़ है कि हम लाइब्रेरी प्रोवाइड करते हैं, बच्चे यहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हैं और लाइब्रेरी में एक टीचर होता है, मतलब जितनी देर लाइब्रेरी खुलती है जहाँ बच्चे बैठेंगे तो वो डाउट पूछ सकते हैं रियल टाइम में। ओके सर, आप क्या पढ़ाते हैं? सर मैं जूलॉजी कराता हूँ यहाँ पे। जूलॉजी पढ़ा? हाँ जी सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है क्षितिज मित्तल। ओके, सो सर आप जूलॉजी पढ़ा रहे हो इतने टाइम से, तो जो बच्चे जूलॉजी पढ़ते हैं उनके अंदर ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें होती होंगी जो हर्डल्स आते होंगे, तो ना ऐसे आप क्या एडवाइस देना चाहोगे उन बच्चों को कि वो कैसे प्रिपेयर कर सके, आगे ईजी हो जाए उनके लिए? एक्चुअली जूलॉजी में क्या होता है कि बच्चों को ना काफ़ी ज़्यादा विजुअलाइज करने में प्रॉब्लम आ जाता है क्योंकि डायग्राम्स वगैरह बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। उसके लिए हमारे पास एक बेस्ट फीचर क्या है कि हम जब क्लासेस लेते हैं तो स्मार्ट बोर्ड पे हम क्लासेस लेते हैं, तो उसमें हम बच्चों को बाय द हेल्प ऑफ 3D डायग्राम्स और एनिमेटेड डायग्राम्स वो बच्चों के लिए बहुत ईजी हो जाता है, उससे वो देख के ईजिली याद कर पाते हैं। बच्चों के पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहते हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू वो बार बार अपना रिविजन कर सकते हैं। रिविजन इज़ द की, अगर आप रिविजन करेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो वही चीज़ है, जूलॉजी जैसा सब्जेक्ट है बार बार रिवाइज़ कीजिए, आपके पास लेक्चर सारे पहुँच जाते हैं रिकॉर्डेड वाले क्लास के, आप उनको देखिए, डायग्राम प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको ज़रूर उसमें हेल्प। हेलो सर, आप हेलो, का नाम ललित नाम है मेरा, और आपका क्या सब्जेक्ट है? फिजिक्स फॉर जी। ओके सो सर फिजिक्स पढ़ाते हैं और अभी हम पूछने वाले हैं फिजिक्स के बारे में, तो सर आप फिजिक्स पढ़ा रहे हो इतने टाइम से, तो बच्चों को मतलब सबसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको डर लगता है जिस सब्जेक्ट से वो फिजिक्स ही है, और जिसको समझ आ जाए उसके लिए तो बहुत इजी होता है फिजिक्स, विजुलाइज का खेल है बेसिकली। तो आप उन बच्चों को जो JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे कि कैसे फिजिक्स उनको पढ़नी चाहिए? JEE वाले बच्चों के लिए तो ना फिजिक्स ही सबसे उनका जिसको कहते हैं ना इंटरेस्ट वाला टॉपिक अगर है तभी वो JEE के लिए सोचना चाहिए उन्हें, क्योंकि इंजीनियरिंग इज़ ऑल अबाउट फिजिक्स एंड फिजिक्स इज़ ए डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक मैथमेटिक्स एंड थ्योरी। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या तो वो केवल न्यूमेरिकल पोर्शन पे ध्यान देते हैं और डायरेक्टली जब क्वेश्चन करते हैं वो लॉजिक और थ्योरी को छोड़ के, तो उनकी कॉमन समस्या यही होती है कि सर क्वेश्चन तो ट्राई कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहे। तो उसका कारण ये है कि वो जो कॉन्सेप्ट है उसके पीछे का, उस कॉन्सेप्ट को बिना समझे ही वो क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब जैसे जब मैं अपनी JEE की तैयारी कर रहा था तो मेरा पहला काम होता था कि मैं पहले जो भी मेरे पास कॉन्सेप्ट है उसको थॉरोली पढ़ूं और फिर एक रफ नोटबुक में उसको बिना देखे लिखूं, जिससे कि वो जो मैंने पढ़ा है वो मेरे दिमाग में है या नहीं है, और जब वो 100% मेरे दिमाग में होगा और जब आप किसी भी क्वेश्चन को ट्राई करेंगे तो 90% आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। 10% क्वेश्चंस जो होते हैं वो बाय द टाइम बाय द प्रैक्टिस यू ग्रो अप, बट 90% क्वेश्चंस तभी हो जाते हैं जब आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और लॉजिकल कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। तो माय एडवाइस इज फर्स्ट यू स्टार्ट योर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, देन डेवलप योर लॉजिक एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। दिस इज़ नॉट मगिंग अप कि आपने कुछ चीज़ एकदम रट्टा मार लिया तो उससे कुछ हो जाएगा, या आपने 50 या 100 क्वेश्चंस किसी भी तरीके से मान लिया क्वेश्चन हो नहीं रहे हैं लेकिन आप 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते चले गए इस होप में भी शायद 50 में से कोई क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आएगा। आप उल्टा सोच के चलो कि जो आप क्वेश्चन कर रहे हो उसमें से तो एक भी नहीं आएगा। यू शुड ऑलवेज ट्राई फॉर द न्यू क्वेश्चन, नॉट फॉर द क्वेश्चन व्हाट यू हैव सॉल्व ऑलरेडी। सो दैट इज़ द थिंकिंग बिहाइंड द फिजिक्स प्रिपरेशन फॉर द JEE। तो सर है ना बेसिकली स्पेसिफिकली इन फिजिक्स वाला, तो जो पढ़ने का तरीका होता है वो मतलब क्या होता है? जैसे आप अपने लेक्चर डिलीवर करा फिर बाद में ना बच्चे ने नोट्स बनाए तो फिर आप DBBs देते होंगे, तो ये क्या रहता है इसका? देखिए यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि जो आपका फिजिक्स है वो विजुअलाइजेशन का खेल भी होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास पैनल्स हैं ना वो सब इलेक्ट्रॉनिक पैनल्स हैं, तो उसमें कलर कॉम्बिनेशन और विजुअलाइजेशन जो नॉर्मल बोर्ड पे थोड़ा सा समय लगता है वो एक तो टाइम सेव होता है, दूसरा आप क्लास में किसी भी कोने में बैठे हुए हैं वो क्लैरिटी ऑफ द बोर्ड और क्लैरिटी ऑफ द वॉइस ऑफ द टीचर दैट इज सेम फॉर ऑल ऑफ यू। वो एक नॉर्मल क्लासरूम में क्या होता है कि जो पहले 2-3 बेंचेस वाले होते हैं उनके लिए थोड़ा विजुअलाइजेशन भी अच्छा होता है और वॉइस भी टीचर की ठीक पहुँचती है, लेकिन यहाँ पर जो क्लासरूम है वो थोड़े मॉडर्न है तो आप किसी भी कोने में क्लास में बैठे हुए हैं
इट डज नॉट मैटर, आपका फोकस पूरा बोर्ड की तरफ रहेगा, वो क्लैरिटी बिल्कुल आपको डिजिटल क्लैरिटी मिलती है। तो ये दो तीन चीज़ें जो यहाँ पे सबसे अलग हैं। दूसरा यहाँ पे एक और अच्छी बात है कि आपको अगर रिकॉर्डिंग मिल रही है ना, तो कई बार बच्चे, अच्छे बच्चे भी हैं तो भी बीमार हो जाएं या घर में कोई काम हो तो क्लासेस मिस हो गई, और वो क्लासेस मिस हो जाती हैं अगर आपकी क्लासेस रिकॉर्डिंग ना हो, देन बच्चों को टीचर के आगे पीछे घूमना पड़ता है कि भाई टीचर मिलेगा कब, उससे बैकअप, एक बैकअप शब्द होता है कि बच्चे ने 10 दिन की क्लास मिस कर दी, फिर वो मैनेजमेंट टीचर को ढूंढेगा कि इस बच्चे की क्लासेस मिस हो गई हैं, और वो बच्चा टीचर को ढूंढेगा, टीचर के पास अपना वर्कलोड होगा, वो नहीं दे पाएगा टाइम, दे पाएगा तो मान लो 10 क्लास का उसकी क्लासेस छूट गई और एक घंटे की एक क्लास है तो 15 घंटे के उसका छूट गया, और टीचर उसको बैकअप को 15 घंटे वाले बैकअप को कराएगा एक घंटे में, तो 15 घंटे का जो स्ट्रेच है वो एक घंटे में हो रहा है, तो कुछ चीज़ें स्क्वीज हुई होंगी। वो चीज़ें यहाँ पे क्या है कि आपके पास जो पहले से रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, तो एक्चुअल जो क्लास है आपकी बिल्कुल 15 के 15 घंटे की, वो आपको एज इट इज़ मिलेगी जैसी आपने क्लासेस मिस की होंगी। तो क्लास मिस करने पर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने कोई क्लास मिस कर दी है, हमें टीचर के पास बैकअप के लिए जाना है, वो बैकअप आपको डेली का डेली, ऐसा भी नहीं है कि आज क्लास हुई है 15 दिन बाद वो अपलोड होगी, आज क्लास हुई है तो वो आज ही अपलोड हो जाएगी, और आपने आज क्लास मिस किया, रात में बैठकर, दिन में बैठकर, जब भी आपके पास समय है, अकॉर्डिंग टू योर कन्विंस यू कैन सी दैट। तो ये सारे प्लस पॉइंट्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं। दूसरी बात यहाँ पे एक और बात है कि टीचर भी इस चीज़ में हैप्पी है कि जब टीचर को ये कहा जाता है ना कुछ बैकलॉग छूट गया है, वो बच्चों का बैकलॉग कराना है, तो वो फोकस करे आगे की क्लास पे या पीछे वाले बच्चों पे। तो यहाँ पे कम से कम जहाँ, जब भी मैं हूँ, जब से मैं हूँ, मुझे ये चीज़ सबसे बढ़िया लगी कि आपको ये चीज़ के लिए नहीं करना है, उस टाइम को आप प्रोडक्टिव टाइम में टीचर यूज़ कर सकता है बच्चों के डाउट्स बताने में, रादर देन कि एक ही चीज़ जो रिपीट है उसको बार बार रिपीट करने के बजाय उसको प्रोडक्टिवली यूज़ किया जा सकता है टू क्लियर द डाउट्स। तो वो चीज़ जो है वो आगे की तरफ ही मूव करती है, वो पीछे की पीछे की तरफ मूव नहीं करती है, वो वहीं की वहीं नहीं घूमती है। तो वो जो प्रोग्रेस है वो एक लीनियर वे में आगे की तरफ चलती रहती है, तो मोमेंटम बना रहता है, कंटिन्यूटी बनी रहती है, चीज़ें एक जगह स्टक नहीं हो पाती उससे। सो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कराया पूरी ऑडियंस को, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे ऑडियंस के। सो हेलो मैम, मैम आपका शुभ नाम? हेमलता सिंह। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? बॉटनी पढ़ाते हैं। मैम बॉटनी पढ़ाती हैं, तभी हम हैं PW के स्टाफ के साथ। सो सर आप ना फिर PW में काम कर रहे हो इतने टाइम से, तो क्या बोलना चाहोगे, क्या क्या फैसिलिटीज़ है बच्चों के लिए यहाँ पर? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारे अलग सर भी कहते हैं कि स्टूडेंट फर्स्ट, तो हमारे सारे स्टाफ का, सारे टीचर्स का सबसे बड़ा पहला मोटिव यही होता है कि स्टूडेंट फर्स्ट, स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसके लिए उनको बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट फैसिलिटीज़, बेस्ट स्टडी मटेरियल, बेस्ट टेस्ट पेपर्स, बेस्ट स्टडिंग एनवायरनमेंट, जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो सब यहाँ पे हम उनको प्रोवाइड कराते हैं, ताकि उनकी प्रिपरेशन में कोई उनको बाधा ना आए, ना फाइनेंशियली और ना ही क्वालिटी वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज़ है उनको। थैंक यू सो मच सर।